कोरोना के भी सारे प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं ना किसी तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं कर रहे हैं हेलो राहुल तो अभी आज का जो वीडियो होने वाला है एक्चुअली ये वीडियो आई वॉज सपोज टू गो लाइव इन दफ्टर इन नून इट है ना मैं दिन में ही जाने वाला था अर्लियर बट बिकॉज ऑफ सम चेंज इन माई शेड्यूल माई स्टडी शेड्यूल उसमें थोड़ा बहुत चेंज मैंने किया है तो उस वजह से मैं दिन में लाइव नहीं आ पाया एंड आई नो इट वॉज अ सैटरडे एंड आई वॉज सपोज टू बी लाइव दिन में ही मुझे लाइव आना चाहिए था दिस प्रॉब्लम एक्चुअली आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना हेलो हेलो तो ये वाले प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है भी और एक मेजर प्रॉब्लम नहीं भी है है ना कौन सी प्रॉब्लम की मैं बात करूँ मैं बात करूँ जो पीडब्ल्यू का जो फैकल्टी वाला प्रॉब्लम है ना अब फैकल्टी वाला प्रॉब्लम मेजरली दो प्रॉब्लम uh, मेरे सुनने में आया है, है ना इसमें ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने सुनी हुई है आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है ये सुनने में आया है कि जो प्रहार बैच है प्रहार बैच में कपिल सिक्का सर पॉलिटी लेने वाले थे बट उन्होंने कुछ क्लास पॉलिटिकी ले कर उन्होंने वो क्लास छोड़ दी है अब आई डोंट नो कि उन्होंने वापस से पढ़ाना शुरू कर दिया है पॉलिटी की क्लासेस को या फिर वो छोड़ के कुछ और वहाँ चल रहा है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है ये सिर्फ सुनी हुई बात है उसके बाद जो मैं अपने बैच में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं अपने बैच की आपको बताता हूँ जो संकल्प बैच है टू वाला संकल्प बैच में ऐसा हुआ है कि देखो ये फैकल्टी वाला प्रॉब्लम ना संकल्प बैच शुरू से फेस कर रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि पीडब्ल्यू हमारी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले भी रहा है बच्चे जब वहाँ पर बोलते हैं कि सर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू उसको सीरियसली लेता है ये अच्छी बात है स्टार्टिंग में क्या हुआ जब इकॉनॉमी का बैच होने वाला था तो इकॉनमी की जो डेमो क्लास थी वो नानकी मैम ने ली थी नानकी मैम ने डेमो क्लास ली लेकिन उसके बाद ओरिएंटेशन क्लास यूट्यूब पे इकॉनॉमी की ज़िया सर ने ली थी तो वहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि एक्चुअली ये क्लास लेने कौन वाला है है ना आई थिंक जितने संकल्प बैच वाले बच्चे हैं वो मेरी बात से एग्री करते हैं कि डेमो क्लास नानकी मैम ने ली थी और उसके बाद सर ने ओरिएंटेशन क्लास ली तो बच्चों ने काफी उसका उसके अगेंस्ट कमेंट में लिखा था कि हमें नानकी मैम से ही पढ़ना है तो पीडब्ल्यू ने उस चीज़ को कंसिडर किया और एट दी एंड पी डब्ल्यू क्या करता है कि हमारी जो इकोनॉमी की क्लासेज है वो नान की मैम ही करा रही थी ठीक है तो एक प्रॉब्लम तो ये नान की मैम ज़िया सर वाला है, है ना दूसरा इकोनॉमिक्स वाला प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं और दूसरा प्रॉब्लम है जो अ, मेरे सुनने में आ रहा है एक्चुअली मैं उसको प्रॉब्लम नहीं अ, कर रहा हूँ है ना अ, दूसरा प्रॉब्लम है वो वाला अ, जो पॉलिटी वाला है पॉलिटी वाला संकल्प बैच में संकल्प बैच में जो पॉलिटी थी वो कपिल सिक्का पढ़ सर पढ़ाने वाले थे और अभी दीपक सर पढ़ा रहे हैं है ना तो अभी इसमें देखना है कि ये क्या ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है है ना क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटी कपिल सिक्का सर पढ़ाएंगे पहले आप लोगों ने ये डिस्क्लोज़ किया और अभी दीपक सर पढ़ा रहे हैं तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? है ना एक इस चीज़ पर बात करने वाले तो मेजरली दो चीज़ें तीसरी है जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला है है ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी उन्होंने ज़िया सर से उसकी क्लास ली थी है ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो डेमो क्लास हुई है वो जिया सर की हुई है और बच्चे ये चाहते हैं कि मॉडर्न की जो क्लास है वो हमारी अभिषेक सर ही ले और अच्छी बात है कि उन्होंने लेक्चर प्लानर में उस चीज़ को अपडेट कर दिया है, है ना अभी लेक्चर प्लानर में मैंने देखा सबसे अच्छी बात यह कि पीडब्ल्यू एटलीस्ट बच्चों की प्रॉब्लम्स को कंसिडर कर रहा है है ना उन्होंने फैकल्टी में वो सभी चेंजेस किए हैं जो बच्चों ने उनसे मांगे हैं तो मेजरली अभी हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं एक तो ये जो इकोनमी वाला इशू है है ना दूसरा जो कपिल सिक्का सर का जो पॉलिटी वाला इशू है वो वाला है ना और उसके बाद जो पॉलिटी वाला जो दीपक सर वाला इशू है वो वाला है ना तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमने फेस करी अभी देखो जो इकॉनमी वाला इशू था इकोनॉमी वाला इशू मेरे को इसमें सबसे ज्यादा बड़ा लगता है क्यों बड़ा लगता है क्योंकि नान की मैम क्लास लेने वाली थी नान की मैम ने कुछ क्लासेस ली और उसके बाद नान की मैम सपोज थी कि हम हम लोग ये मान के चल रहे थे कि आगे कुछ क्लास और नान की मैम लेंगी नानकी मैम ने जहाँ पर छोड़ा था उसके बाद भी हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि अभी कुछ क्लासेस मैम लेंगी और मैम अचानक से क्लास छोड़ के चले जाती है है ना उसके बाद क्या होता है ज़िया सर क्लास लेना शुरू करते हैं अब ज़िया सर जो क्लास ले रहे थे आई थिंक पंद्रह क्लासेस लगभग हो चुकी थी ज़िया सर ने मेन्स वाला पोर्शन हमको पढ़ाना था पंद्रह क्लासेस लगभग हो चुकी थी उसके बाद सर अभी एग्रीकल्चर वाला कोई टॉपिक सर ने उठाया है है ना तो लेक्चर प्लानर इतना लेट चल रहा है हमारा इकोनॉमी का कि मतलब उसकी तो कोई हद ही नहीं है पहले का अभी आप लेक्चर प्लानर देखेंगे अभी वाला देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी भी जो उन्होंने पहले जो हमें लेक्चर प्लानर प्रोवाइड किया था है ना पहले जो लेक्चर प्लानर प्रोवाइड किया था वो लेक्चर प्लानर के हिसाब से जहां तक मेरे को याद है ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक हमारी क्लासेस सारी खत्म हो जानी चाहिए थी और अभी जो नया लेक्चर प्लानर आया वो हमारा दिसंबर में जाके हमारी क्लासेस खत्म आ रही हैं तो हम अपनी प्रेपरेशन रिवीजन कब करेंगे अगर दिसंबर में हमारी क्लासेस खत्म होंगी तो हम रिवीजन कब करेंगे अभी इस चीज़ पे बाद में आते हैं अभी ये इकॉमी वाला देखते हैं तो जहां तक मेरा मानना है कि ज़िया सर जो इकोनॉमी करा रहे हैं मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं ज़िया सर की एक भी इकोनॉमी की क्लास नहीं देख रहा हूँ मुझे आप लोगों का नहीं पता आपको उसमें कितना समझ आ रहा है देखो सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आएगा ठीक है उसमें बड़ी बात नहीं क्योंकि सर पढ़ाई वो रहे हैं जो बच्चों को समझ में आ जाए जो ऊपर की जो मुश्किल चीज़ें हैं वो सर ने स्किप कर दिए है ना उतनी लेट तो सर ने वो मेंस का सिलेबस शुरू किया है है ना वही मैंने टाइटन बैच की इकोनॉमी की क्लास देखी थी उनको आप देखोगे उसका लेवल देखोगे टाइटन टाइटन बैच के आप टेस्ट का लेवल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इकॉनमी में टाइटन का लेवल क्या चल टाइटन बैच में इकॉनॉमी का लेवल क्या चल रहा है और हमारे संकल्प बैच में इकॉनॉमी का क्या लेवल चल रहा है तो जिया सर से तो मैं बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हूँ खुश कि जिया सर को इन्होंने इकॉनॉमी दी है है ना तो मैं चाहता था कि जिया सर जो है इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं वो चेंज हो जाना चाहिए बट वो नहीं हुआ ठीक है और वो होगा भी नहीं क्योंकि जो नया लेक्चर प्लानर अपडेट हुआ उसमें ज़िया सर ही हमको इकोनमी पढ़ाने वाले हैं तो अब इसमें तो कुछ चेंज होने से रहा जिया सर वाले में अभी मैं अभी आप लोग इतना कर सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जिया सर की क्लासेस नहीं दे बट बिकॉज वीकली टेस्ट होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जो नोट्स वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं डेली क्लास नोट्स उन नोट्स को मैं पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में अपना टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ ठीक है तो ये तो था इकोनॉमी वाला प्रॉब्लम अब क्या ये मेजर प्रॉब्लम है देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ऑनेस्टली कह रहा हूँ इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है लेकिन जब संकल्प बैच को संकल्प बैच हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई अच्छी फैकल्टी मिलेगी है ना तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इकोनॉमी इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको खुद से पढ़ेंगे तो समझ ना आए है ना बट बिकॉज हम लोगों ने पे किया है तो हम एक अच्छी फैकल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे उन लोगों से अब आप लोग खुद कैसे तैयारी कर सकते हैं देखो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वीकली टेस्ट होता है उस वीकली टेस्ट के लिए आप लोग जो नोट्स वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसको तैयार कर लीजिए है ना उससे क्या होगा जो जिया सर पढ़ा रहे हैं वो आपका कवर हो जाएगा आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा है ना आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसके बाद आप अपनी तैयारी खुद से इकोनॉमी के अपने हिसाब से शुरू रखिए ठीक है थीके? अपने हिसाब सेकोनॉमी की करिए सिलेबस उठाइए सिलेबस के, के से, आपको जो बुकलेट पीडब्ल्यू ने प्रोवाइड है वो अच्छी बुकलेट है ठीक है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज उस बुकलेट में से टॉपिक्स सेलेक्ट कर लें है ना टॉपिक वाइज आप सिलेबस में देखें और उस टॉपिक को फिर अपनी बुकलेट में देखें कहाँ पर वो टॉपिक है और वहाँ से अपने नोट्स उस चीज़ के बनाने शुरू कर दें ठीक है तो इकोनॉमी का तो ये मेजर प्रॉब्लम था आई थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आप लोग अपने हिसाब से दूसरा जो कपिल सिक्का सर वाला प्रॉब्लम है पॉलिटी का ठीक है वो प्रहार बैच में पढ़ा रहे थे वहाँ से वो छोड़ के चले गए हैं अभी कुछ दिन उन्होंने क्लासेज नहीं ली मुझे इसके बारे में मैं खुद कह रहा हूँ ये मैंने बस सुनी है मेरे को इसका पक्का नहीं पता है ठीक है तो प्रहार बैच के लिए तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन संकल्प बैच में ये कहा गया था कि कपिल सिक्का सर पॉलिटी की क्लास लेंगे तो उन्होंने क्यों नहीं ली ठीक है पहले तो हम पीडब्ल्यू से यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्लास क्यों नहीं ली इसी बीच में आप लोगों से एक, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको शेयर कर दें है ना आप आप जितने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को जानते हो उतने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें ताकि एटलीस्ट बच्चों को पता चले कि इस चीज पर डिस्कशन हो रहा है, है ना वो लोग भी अपनी क्वारीज वगैरह लिख पाए मैं आप सभी के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ है ना और आप सभी के कमेंट्स में देख भी रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपके कमेंट्स पर भी आऊँगा आप प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए तो अभी जो कपिल सिक्का सर हमें संकल्प बैच में पढ़ाने वाले थे उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा उसके बाद जो दीपक सर आए हैं है ना अब दीपक सर का बहुत बच्चे कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या दीपक सर खराब फैकल्टी है मैं ये कहूंगा कपिल सिक्का सर से ज्यादा अच्छी फैकल्टी है मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कपिल सर से ज्यादा अच्छी फैकल्टी है दीपक सर ज्यादा अच्छी फैकल्टी है अब आप लोग मुझसे एग्री कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते देखो कपिल सिक्का सर हमें नहीं पढ़ा रहे ये संकल्प बैच की वो पीडब्ल्यू की प्रॉब्लम थी कि वो क्यों हैंडल नहीं कर पाया उस सिचुएशन को ये गलत था लेकिन हमें जो दीपक सर मिले हैं संकल्प बैच में ये हमारा अलग था और सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं ठीक है तो दीपक सर अभी आप लोगों के मन में अगर ये चल रहा है कि दीपक सर कैसा पढ़ाएंगे क्या दीपक सर सही पढ़ा रहे हैं तो दीपक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोगों को अपने बेसिक्स थोड़ा सा ठीक करने पड़ेंगे दीपक सर जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर है ठीक है दीपक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर दीपक सर भी जिया सर की तरह वही पढ़ाने लगे जो आपको समझ में आ जाए तो वो प्रॉब्लम होगी ठीक है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर वही पढ़ाएं जो आपको समझ आता है तो कल को आपको उस चीज से प्रॉब्लम होगी ठीक है तो अच्छी बात यह है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने ठीक है ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें और थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें थोड़ा लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए थोड़ा साइड से एनसीआर पढ़ना शुरू कर दीजिए है ना वो चीज़ आपको हेल्प करेगी तो जो पॉलिटी वाला प्रॉब्लम है वो इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है ठीक है पॉलिटी में हम हमारे दिमाग में य था कि कपिल सर पढ़ाएंगे उनकी जगह दीपक सर आ गए हमें यह प्रॉब्लम लग रहा था बट वो प्रॉब्लम है नहीं ठीक है तो सर जो दीपक सर पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट फैकल्टी हैं काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं ठीक है आप लोग जो एग्री करते हैं वो भी ठीक है जो नहीं एग्री करते हैं अब उनका मैं क्या कर सकता हूँ उनको मैं ये राय दे सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करिए ठीक है अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो चीज़ों का लेवल अपने आप ही ऊपर है वो लक्ष्मीकांत से काफ़ी बाहर पढ़ा रहे हैं ठीक है लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो वो बता रहे हैं ठीक है और उनकी जो नॉलेज है ना वो थोड़ा सा अलग लेवल की है अब इस चीज पे फिर कभी डिस्कशन करेंगे जिस दिन फैकल्टी का डिस्कशन कर लेंगे आज हम आ, उस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी हैं ठीक है थीके? तो एक तो ये पॉलिटी वाला कपिल सिक्का सर वाला प्रॉब्लम और दीपक सर वाला प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ये अच्छी बात है हमारा लक अच्छा है जो हमें दीपक सर मिल गए एंड वी आर सो फॉर्चुनेट फॉर इट और मैंने अभी टाइटन बैच का लेक्चर प्लानर देखा तो उसमें मैंने देखा कि उनको कपिल सिक्का सर ही पढ़ाने वाले ठीक है तो आप ये मत सोचिए कि टाइटन बैच को अच्छी फैकल्टी मिली होंगी हमको अच्छी फैकल्टी नहीं मिली है ठीक है हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं ठीक है उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री आई थिंक हम लोग सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री हम सब लोगों को अभिषेक सर ही पढ़ाएं है, है ना मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री हम सब चाहते कि अभिषेक सर ही हमको पढ़ाएं और मेरा भी ये मानना है ठीक है अभिषेक सर ने एंसियट हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई है वो अलग ही लेवल पर पढ़ाई थी ठीक है मतलब जितनी जितने वो काफ़ी टाइम से खत्म हुई है वो चीज़ें अगर वो चीज़ें आप खुद से कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद समझ भी नहीं आएंगी और अगर समझ भी आएंगे तो वो चीज़ें याद करने में आपको काफ़ी काफी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ठीक है तो अभिषेक सर बेस्ट फैकल्टी हैं और अभी जब मैंने लेक्चर प्लानर देखा तो लेक्चर प्लानर में मैंने देखा कि मुझे उनका नहीं पता टाइटन बैच का मेरे को संकल्प बैच का पता है और अच्छी बात यह कि संकल्प बैच में हमें मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं और वी आर थैंकफुल टू पी डब्ल्यू है ना हम पीडब्लू का काफी पीडब्ल्यू uh, के लिए तो काफी थैंकफुल हैं कि अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं है ना अभिषेक सर यार फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो कंप्लीट कैसे होगा है ना और वो फास्ट पढ़ाना जरूरी है ठीक है अभिषेक सर फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ठीक है थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना जरूरी है और आप लोगों को उसमें थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डालना पड़ेगा आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतना ज्यादा समझ आएगा तो एक प्रॉब्लम पीडब्ल्यू ने जो हमारा सॉल्व किया है वो मैं काफी ज्यादा इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि जो हमें जिया सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले थे उसकी जगह वो लोग अभिषेक सर को वापस ले आए हैं और अभी हमें अभिषेक सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट तो ये चीजें थी ठीक है अब इसमें क्या हमें पीडब्ल्यू से कोई बहुत बड़ी नाराजगी है नहीं बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है ठीक है बहुत बड़ी नाराजगी क्यों नहीं है क्योंकि देखो जब कोई इंस्टीट्यूट इतने कम प्राइस में इतने अफोर्डेबल प्राइस में चीजों को प्रोवाइड कराता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूप होल्स होना पॉसिबल हैं ठीक है थीके? लूप होल्स पॉसिबल हो लूप लूप होल्स पॉसिबल है कि हो सकते हैं ठीक है अभिषेक सर सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे रहते हैं तो ऑब्वियसली अब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो चीजें कैसे होंगी देखो आप चीज आप को आपको यही चीज समझना चाहिए कि आप जिस आप अगर कभी किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाएंगे ना मैं आपको ऑफलाइन सेंटर का बता देता हूँ ऑफलाइन सेंटर पे क्या होता है आपसे पहले जो वहाँ दो तीन साल से बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके बगल में बैठे होते हैं और वहां पर ना तो आपके लिए कोई टीचर रुकता है ठीक है ना ही आपके लिए कोई टीचर रिपीट करता है और नहीं ना, ना ही वहां पर आप लोग ये कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया हमें अच्छे से बताया नहीं ठीक है तो ये डिफरेंस है आप ऑफलाइन में और ऑनलाइन आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको बोल सकते हैं कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया ठीक है और ये ये इस चीज़ के लिए आपको फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है ठीक है तो अब अगर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो आप ज़िया सर को देख लो ज़िया सर ने इकोनॉमी में क्या किया है हमारा वो सिलेबस पता नहीं अब कभी कंप्लीट होगा वो ठीक है अब वो फरवरी तक जा रहा है सिलेबस इकोनॉमी का कब शुरू नवंबर में शुरू हो गया था हमारा तीन चार महीने अगर हम एक सब्जेक्ट पर ही चिपका देंगे तो ऐसे कैसे होगा ठीक है तो अच्छा होगा कि आप लोग अपने हिसाब से उस चीज़ को देखने लगे इकोनॉमी का है ना तो अभिषेक सर सही पढ़ा रहे हैं अब जो नहीं एग्री कर रहे हो उनका मैं नहीं कह सकता उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग थोड़ा एफर्ट्स डालिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए चीजों को है ना वो चीज़ें समझ आ जाएंगी इतनी मुश्किल नहीं है और एनसियट और मेडिवल उन्होंने भगाने की अगर आपको लग रहा है कि सर ने काफ़ी फास्ट पढ़ाया तो उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ प्री ओरिएंटेड चीज़ें हैं है ना एनशियट से मेडिवल से मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है जो आएगा वो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आएगा और आर्ट एंड कल्चर अभी रहता है है ना उन्होंने बिल्कुल टाइम पर ख़त्म किया है आप खुद सोचिए ऐसा ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ प्री में आने वाले हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगा के क्या फ़ायदा रेदर सर ने जो इकोनॉमी में इतना ज्यादा टाइम लगा लिया उसके बाद मेन्स का टॉपिक आपका इतने टाइम बाद शुरू हो रहा है वो कहाँ तक ठीक है ठीक है तो मैं अभी यहाँ पर बस एक जिया सर का थोड़ा सा मेरे को मेजर प्रॉब्लम लगता है कि थोड़ा सा इकोनॉमी में थोड़ा सा हमारा फॉल्ट है और बाकी उसके बाद जो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री वाला प्रॉब्लम है पॉलिटी दीपक सर बेस्ट हैं काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं और काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी भी हैं और काफी चीजें कवर करके पढ़ा रहे हैं ना हर हर टॉपिक को हर चीज से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी का आप लोग टेंशन मत लीजिए और जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला है उसका भी आप लोग प्रॉब्लम टेंशन मत लीजिए है ना अब बाकी आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ना अब मैं कमेंट सेक्शन ऑन कमेंट सेक्शन में देख लेता हूँ आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जियोग्राफी फैकल्टी चेंज नहीं होगा का जियोग्राफी की फैकल्टी कौन सी है आपके पास कौन कौन से बैच से हैं आप सुमित अच्छा सुमित सुमित तो संकल्प से है ना जियोग्रफी की फैकल्टी क्यों चेंज करनी है अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है जियोग्राफी तो उसका फैकल्टी क्यों चेंज करवाना है एटलीस्ट एक बार देख तो ले कैसा पढ़ा रहे हैं इज इट वर्थ टू ज्वाइन संकल्प बैच हाँ यार बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो वर्थ की वर्थ की टेंशन नहीं है आपको वर्थ काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बहुत जो लूप होल्स रह जाते हैं वहाँ पर कि वो पढ़ाने वाला था उनकी जगह वो टीचर आ गए ठीक है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सिलेबस कवर नहीं करा रहे हैं या वो लोग अच्छा नहीं कबार करा रहे हैं और काफी ज़्यादा मैनेज हैं चीज़ें उन्होंने संकल्प बैच में काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर रखे चीज़ें आई थिंक पी को इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी प्रेस भी करना चाहिए कि उन्होंने हर चीज़ को कितना मैनेज किया आपको डेली डी प्रोवाइड होती है ठीक है आपको हर क्लास के बाद उसके नोट्स मिल जाते हैं आपको डेली नोट्स मिल जा रहे हैं उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको मिल जा रहा है उसके बाद आपको वीकली टेस्ट देने को मिल रहा है, है ना और हमें नहीं पता कि उन वो अभी देखिए जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वो लोग भी सोच रहे होंगे है ना और हमें नहीं पता कि आगे उन लोगों ने हमारे लिए क्या प्लान्स रखे हुए हैं और ऑब्वियसली हम लोग उनका पहला बैच है है ना जो 2020 हम हमने जो ज्वाइन जो किया हम पीडब्ल्यू का पहला बैच है और ऑब्वियसली वो हमें बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे किसी भी हालत में एनी अदर क्वेरीज तो विशाल दिस दिस वाज फॉर यू है ना आप लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच होकर आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये या बट कपिल बट दीपक सर एक टॉपिक के बीच में ही दूसरा पढ़ाए देखिए कपिल सिक्का सर पॉलिटिक कैसा पढ़ा रहे हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन जो दीपक सर एक टॉपिक के बीच में जो दूसरे टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं ये इसलिए है ताकि आप जब उन टॉपिक्स को बाद में आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे ये चीज़ आपको अभी प्रॉब्लम लग सकती है लेकिन आप जब आगे उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें रिमाइंड होंगी है ना आगे जाके जब आप लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन उन बॉडीज को पढ़ेंगे उनके कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और वहाँ पर आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी है ना तो ये मत सोचिए कि दीपक सर एक टॉपिक के बीच में दूसरे टॉपिक को पढ़ा रहे वो अच्छी चीज़ है वो आपको हेल्प भी करेगी आगे जाके है ना और उन्होंने हर चीज़ को और आई थिंक इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं सर ने सर ने फीचर पढ़ाए कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ीचर उन्होंने पढ़ाए दो दिन में उन्होंने फीचर खत्म कर दिए थे है ना फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दो दिन में खत्म कर दिए थे और अभी उन्होंने दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया है उन्होंने प्रियम्बल शुरू कर दिया और प्रियम्बल में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी आपको अमेंडमेंट बता दिया आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता दिया तो इससे ज़्यादा आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी फैकल्टी से है ना वो हर एक टॉपिक में चीज़ों को सब कुछ इंक्लूड करके पढ़ा रहा है कॉम्प्रीहसिवली पढ़ा रहा है तो दीपक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आपका शायद प्रॉब्लम बता रहे थे नहीं मॉडर्न में प्रॉब्लम नहीं है मॉडर्न में अभी मॉडर्न उन लोगों ने पढ़ाया ही नहीं है, है ना एनशियट और मेडिवल की क्लास हुई थी और एनशियंट और <laughs> इसको इग्नोर कर देना मेडिवल की क्लास के एनशियंट और मेडिवल की क्लास के बाद हम लोग क्या चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे कि जिस टीच जिस फैकल्टी ने हमें एनशियट और मेडिवल पढ़ाया है वही हमें आगे चल के मॉडर्न में पढ़ाए है ना तो अब आई थिंक इसके बाद इकोनमी uh, के बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा तो वहाँ पर हमें अभिषेक सर ही पढ़ाने वाले तो वो अच्छी चीज़ है है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हम लोग वही चाह रहे थे और उन्होंने वो फैकल्टी चेंज भी किया उन्होंने ज़िया सर की जगह वो हमारे कहने पर वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वापस से अभिषेक सर को ले आए हैं वो अच्छी चीज़ है एंड वी आर हैप्पी फॉर देट और हम पी uh, को थैंकफुल भी हैं उस चीज़ के लिए वो तो चेंज नहीं ना कर देगा पी वाले क्या चेंज करना है पी वाला पी वालों से क्या चेंज करना चाहते वो लोग हर चीज़ तो कर रहे हैं आपके लिए हर चीज कर रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं आपकी आप लोग अभी अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं है ना आई थिंक हम लोग अभी यहाँ पर लगभग आधा घंटा और हैं तो आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं आपको कोई किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट है ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं उसको एनी टाइप ऑफ क्वेरी यहाँ पर कौन कौन है एक बार आग... हाय लिख देंगे सारे शोधक मैं नाम एक बार पढ़ लूँ और मैं समझ जाऊँ कि ये वो लोग ये स्टूडेंट्स वो वाले हैं है ना बस जल्दी से हाय लिख दें मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितने नए बच्चे आए हैं और कितने मेरे पुराने कॉन्टेक्ट वाले हैं ठीक है एक तो ये आर के भी हैं आशीर्वाद ठीक है ये नए नाम सुनाई नया नाम लग रहा है थोड़ा हेलो आशीर्वाद वेलकम हेलो ज्योति ज्योति हमारी बहन है आ, राहुल राहुल पुराना नाम है राहुल भाई है अपने आपको लगता है कि यूपीएससी वाला बेटर देन इंस्टीट्यूशन डेली देखो फिर ये है कि आप वो ना वो चीज स्टूडेंट पे मैटर करती है विजन आईएएस में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं दृष्टि में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या हर बच्चा एग्जाम क्लियर कर रहा है हर इंस्टीट्यूट से हर साल गिन के 4 5 मैक्सिमम 10 बच्चे क्लियर करते हैं तो क्या वो वो जो बाकी बच्चे थे क्या उनके बेस पे हम ये जज कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट खराब था देखिए अभी ना पी डब्ल्यू का पी डब्ल्यू का जब आप लोग रिजल्ट देखेंगे तो उस बेस पे आप ये बता पाएंगे कि पी डब्ल्यू उनसे बेटर है या नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि पी डब्ल्यू वही चीज़ आपको दे रहा है तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में आपको दिल्ली में देखने को तो मिलेगी आपको जो फैकल्टीज मिल रही हैं वो वही फैकल्टीज है वही फैकल्टी आपको के एस डी में बढ़ाएंगी वही फैकल्टी विजन में वही फैकल्टी इधर उधर वो वही फैकल्टीज वही घूमती हैं है ना फैकल्टीज वही है वही फैकल्टी आपको हर इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेंगे तो पीडब्लू इज़ कम्पेयरेबल ठीक है किसी को अच्छा किसी को बुरा कहना यहाँ पर मोटिव नहीं है अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि आपको वही चीज़ देखने को मिलेंगी जो आपको किसी और इंस्टीट्यूट में देखने को मिलती है तो आप इस चीज़ का प्रॉब्लम मत लीजिए कि आपको दिल्ली वाला वो लेवल मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे अच्छा लेवल मिल रहा है बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है संकल्प बैच का सब्सक्रिप्शन बेचना है मैंने संकल्प तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो अगर किसी को लेना होगा तो वो आपको बता देगा लेकिन ये हो नहीं सकता पॉसिबल नहीं है ना बिकॉज uh, वो क्योंकि नंबर आपका कनेक्ट है वो बार बार आपसे ओ मांगेगा बार बार उसको प्रॉब्लम आएंगी है ना और तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है वी सर के इकोनॉमिक्स के लिए सही है या फिर यूट्यूब से संजीव वर्मा लो देखो यार uh, इकोनॉमिक्स के लिए ज़िया सर से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तुमको मतलब जिया सर जो पढ़ा रहे हैं उससे काफ़ी अलग आपको पढ़ना पड़ेगा पहली बात तो है, है वो दो घंटे की क्लास में आधे घंटे का टॉपिक पढ़ाते हैं मतलब जो चीज़ आधे घंटे में खत्म हो सकती है वो दो घंटे में पढ़ाते हैं तो अगर आप एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं जो बिगनर नहीं है जो बिगनर है वो उनसे पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिसने जिसके थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट है जिसको पहले से चीज़ें आती हैं वो उनसे मत पढ़िए ठीक है आप अपनी आप कोई एडवांस बुक उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए आप रमेश सिंह पढ़िए नितिन सिंहानिया पढ़िए इधर उधर से टॉपिक्स को कवर कीजिए अपने करंट अपडेट रखिए है, है ना इतना कर सकते हैं उनके जो नोट्स मिल रहे हैं जो डेली नोट्स वो लोग प्रोवाइड कराते हैं जिया सर के वहाँ से पढ़ लीजिए भैया बट कितना भी कोचिंग बट सेल्फ स्टडी तो गॉड भी पास नहीं कर ये ये चीज पक्की है देखिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए पूरे इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाए एंड एंडस आपके पर्सनल एफर्ट्स नहीं होंगे तब तक आपको कोई पास नहीं करा सकता ठीक है कोई भी इंस्टीट्यूट पास नहीं करा सकता आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आप, आप स्वयं यूपीएससी के भगवान डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति से पढ़ लीजिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको अपनी तरफ से पर्सनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे देखो ऐसा होता है ना हमें क्लास में चीज़ें समझ आ जाती हैं लेकिन उसके बाद हम अगर हम उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो सब निकल जाएगा दिमाग से तो चेंज हो जाता है पीडब्ल्यू में वही बैच दूसरे नंबर नम, में ट्रांसफर कर सकते हो आ, कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो वो अरे वो चाहता है कि वो संकल्प वाला बैच बेचना चाहता है वो किसी और को देना चाहता है वो अपना बैच चेंज नहीं करना चाहता अच्छा एक थोड़ा सा थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आप सब लोग यूपीएससी की प्रेपरेशन में हैं तो सबकी एक आइडियल फैकल्टी होती है वो फैकल्टी उससे उसको मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है यार ये फैकल्टी बड़ी अच्छी है आप सब लोग अपनी फैकल्टी लिखेंगे अपनी फेवरेट फैकल्टी आप सब लोग बताएंगे फेवरेट फैकल्टी फेवरेट फैकल्टी सब लिखेंगे आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन सी है मतलब यू में आपको सबसे अच्छा टीचर कौन सा लगता है यूट्यूब से किसी कोचिंग से या पीडब्ल्यू से कहीं से भी जो जो फैकल्टी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जो बैच जो टीचर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं है ना नानकी मैम ओके नानकी मैम नानकी मैम क्यों भाई नानकी मैम क्यों रीजन दे तो जरा नानकी मैम सुमित रीजन दे तो जरा नानकी मैम क्यों सुभरा रंजन मैम हां सुभरा रंजन मैम वो अनदर लेवल की टीचर है यार सुभरा रंजन मैम दूसरी लेवल पे है डॉक्टर विकास ठीक है वो तो सबके रोल मॉडल हैं ठीक है डॉक्टर है, विकास जरूरी नहीं है to, uh, रहुल, रहुल को देखो, पढ़ना, नहीं। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए उसको लेकिन उन्होंने कंपाइलेशन में काफी सारी चीजें इंक्लूड कर रखी है तो इट वुड बी बेटर अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं अरे तो इट वुड भी बेटर अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं ना नान की मैम अवध जा सर ठीक है बैक बेंचर्स जोधा सर ठीक है जय हो अजा सर भी वो वो देखो हर टीचर की ना एक एक खासियत होती है है ना और अवध अवध सर की ये खासियत है वो चौड़ में रहते हैं ठीक है वो किसी से डरते नहीं है अलग ही चौड़ है उनकी अभिषेक सर अभिषेक सर यार मेरे को बहुत अच्छे लगे पर्सनली और जब उनका वो मेडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हुआ था तो मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद कुछ टाइम तक तो मेरे को काफ़ी ये मतलब अजीब सा लग रहा था कि अब हम कुछ दिन तक जब तक मॉडर्न स्टार्ट नहीं होती हम अभिषेक सर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर ये अगर ये ये वीडियो किसी तरह अभिषेक सर तक पहुंच जाए तो आई वुड लाइक टू से कि सर संकल्प बैच का हर स्टूडेंट आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर पाता है okay. अभिषेक सर तक ये वीडियो पहुंच जाए अगर किसी तरह तो आई थिंक संकल्प, संकल्प बैच का हर बच्चा सर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और अभिषेक सर ने काफी अच्छा पढ़ाया अभिषेक सर प्रतीक सर एंड हर्षित द्विवेदी हर्षित सर ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हर्षित द्विवेदी सर का चैनल शायद ना भी देखा हो देखिए अगर आपको कोई भी बुक पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आती है अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हैं आप आरस चंद्र आर एस शर्मा पढ़ना चाहते हैं आप सतीश चंद्र पढ़ने चाहते हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके पढ़ा रखा है आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं ठीक है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन आप सर्च कर लीजिए और उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया प्रतीक सर एंड हर्षित द्विवेदी प्रतीक सर कौन से वाले भाई प्रतीक सर कौन से वाले राहुल आ, मुझे भी अभिषेक शशांक त्यागी सर ओके शशांक सर ओके शशांक त्यागी सर कौन से हैं ये वो तो शशांक शेखर रॉय शशांक त्यागी कौन से सब्जेक्ट की फैकल्टी है शशांक त्यागी मुस्कान अभिषेक सर ओके अभिषेक सर तो मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ उनसे और डॉक्टर विकास वीर तालिया नेस ल्वी. देखिए हर एक बिगनर ना हर एक बिगिनर आई थिंक वही चीजें देखता है जो हम सब देखते हैं मैंने भी जब स्टार्टिंग uh, में करंट अफेयर देखना शुरू किया तो मैं कुछ और ही देखता था पता नहीं क्या देख ले? कौन से करंट अफेयर देखता था मैं मेरे को खुद पता नहीं और कोई भी चैनल खोल के मैं करंट अफेयर देखना शुरू कर देता था बट लेटर ऑन एक दिन मुझे uh, ये वीर तालियान सर का स्टडी लवर वीर वाला चैनल पता चला और वो जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं ना वो बेस्ट है आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं uh, हर्षित द्विवेदी को नहीं जानते देन यूपीएससी में नहीं हो नए हो हाँ जो बच्चा हर्षित सर को नहीं जानता वो यूपीएससी में थोड़ा नया ही है अभिक सर पहले अन अकेडमी में फैकल्टी थे हाँ मैंने उनका नॉलेज फाइट देखा है उनका नॉलेज फाइट था अभिषेक सर के साथ अन अकेडमी में उसको मैंने देखा था और आई आई थिंक वो टाई हो गया था हिस्ट्री ऑप्शनल इंग्लिश बैच हिस्ट्री ऑप्शनल मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा है वो जो भी फैकल्टी आई है आई रिस्पेक्ट हिम मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं कह सकता कि आप उनको ज्वाइन कीजिए प्रतीक सर इकोनॉमिक्स प्रतीक सर जो इकोनॉमिक्स वाले हैं ना मस्त है यार राहुल बहुत बढ़िया मतलब मैं एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा देखिए आप लोग जिस प्रेपरेशन में है ना इस प्रेपरेशन में आप अपने फेलो एस्परेंट्स की जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे ना आपको उतना ज़्यादा सेंस ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलेगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक राहुल है और वो राहुल बिल्कुल मैं अपने भाई जैसा कनेक्ट कर पाता हूँ अब तो उनसे मैंने एक दिन राहुल से पूछा कि राहुल आपके पास कौन सा बैच है राहुल ने कहा कि टाइटन बैच है तो बिकॉज मुझे संकल्प बैच में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी इकॉनॉमी पढ़ने में तो मैंने राहुल से एक बार कहा कि राहुल यार तुम मुझे अपना ओ दे सकते हो जस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैं आपके बैच से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ तो रोहित राहुल ने मतलब बिना सोचे उन्होंने उन्हें यह कहा कि भैया आपको जब भी पढ़ना हो आप मुझसे ओ मांग लेना सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम और इस तरह की आप अपने फेलो एस्पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं है ना आप अपने फेलो एस्पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं आपको कोई सब्जेक्ट आपका कोई दोस्त है जो टाइटन में है आपको उधर से कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आप उससे ओटीपी का भी मांग लीजिए आपका कोई दोस्त है जो संकल्प में है आपको उनसे कोई उनके बैच से कोई टीचर से पढ़ना है आप उनसे वो मांग लीजिए है ना आपका कोई दोस्त है जिसने सोशोलॉजी ऑप्शनल ले रखा है आप उससे मांग लीजिए आपने पी एस आई आर ऑप्शनल ले रखा है उसको थोड़ा बहुत वीडियोस देखनी है देख जानने के लिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं आप उनसे मांग लीजिए तो आप जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए प्रशांत धवन सर वर्ल्ड अफेयर से ओ पी टीचर यार ये सुमित जो है ना सुमित मतलब सुमित का ऐसा सीन है ये वो वो हर चैनल देखता है जो चैनल मैंने देखा हुआ है प्रशांत धवन सर वाला सुमित के पास सारे रेकमेंडेशन वही जाते हैं क्या जो मैंने देखे हुए हैं भाई मुझे हिस्ट्री में प्रॉब्लम है इलेवन टनसीआर uh, क्योंकि बिपिन चंद्रा की एनसीआर टी या फिर डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पढ़ू देखो अगर आपने बैच ले रखा है तो दोनों में से कुछ भी मत पढ़ो प्रतीक नायक सर की एनसीआर की वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे है ना किन का कमेंट था विशाल विशाल आई एम रिप्लाइंग टू यू अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको रियली really प्रॉब्लम आ रही है हिस्ट्री में तो आप अभी कोई एनसीआर मत पढ़िए अगर आपने बैच ले रखा है आप बस एक काम कीजिए आप यूट्यूब पर प्रतीक नायक सर की एनसीआर टी की वीडियोज विल हेल्प यू अलाउट है ना आपको कोई एनसीआर पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां से आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी मतलब वो रामबाण है आप एक ग्रुप बना लो मैंने ग्रुप बना रखा है है ना और उसमें मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे क्लोज एस्पीरेंट्स हैं उनको मैंने ज्वाइन कर रखा है गिने चुने दस बारह बच्चे हैं वो आ, आपको ज्वाइन होना है तो आ, आप मैसेज कैसे करेंगे मैंने पिछली वीडियो में उसमें जो पिछला लाइव था उसमें नंबर शेयर कर किया था कि आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिए मैं ग्रुप बना दूंगा और मैंने वहीं से ग्रुप बनाया था तो आप वो पिछली वाला लाइव देख के वहाँ से नंबर देख के उस पर मैसेज कर देना हेलो सिद्धि हेलो हेलो सिद्धि अच्छा चलो तो एक, एक छोटा सा क्विज हो जाए कौन कौन चाहता है एक छोटा सा क्विज हो जाए सिंपल ईजी क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन एक छोटा सा क्विज छोटा सा क्विज थम्स थम अप लिखेंगे सारे अप थम थम से थम्स अप एक छोटा सा क्विज सिंपल आ, सिंपल इजी क्वेश्चंस वाला क्विज विशाल तुमने लिया है क्या कोई बैच ताकि हम लोग भैया तो स्टार्ट कहाँ से करें स्टार्ट एन से करो स्टार्ट करने के लिए एन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इन सब टीचर्स से अच्छी बात है सुमित अच्छे टीचर्स है तुमने अच्छे टीचर्स को चूज़ किया है अच्छी बात आ, सिद्धि कह रही है कि चलो क्विज कर लो ज्योति कह रही है क्विज कर लो राहुल कह रहे हैं क्विज कर लो हाँ सिद्धि और सुमित का कनेक्शन क्या है भाई तुम लोगों का ये तुम लोग एक दूसरे से ही बात करते रहते हो कमेंट सेक्शन में हाँ विशाल कह रहा है विशाल ग्रो टुगेदर ओके नंबर आप फिर से बोल दो ना अच्छा ठीक है मैं वीडियो खत्म होने से पहले नंबर डाल दूंगा ओके तो आई थिंक आधे बच्चे तो कह रहे हैं कि कर दो करके कर लेते करके ठीक है अभिषेक भी कह रहा है कि हो जाए अच्छा चलो अच्छा पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी पुष्यभूति डायनेस्टी पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में किस किसने सुना है एक रूलर के नाम बता दो पुष्यभूति डायनेस्टी से किसी रूलर का नाम बताओ मुझे पुष्यभूति डायनेस्टी से किसी रूलर का नाम बता दो मेरे को पुष्यभूति डायनेस्टी से पुष्यभूति डायनेस्टी से किसी रूलर का नाम बताओ और मुझे यह बता दो कि पुष्यभूति डायनेस्टी कहां से रूल करती थी उनकी कैपिटल पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल और उनका कोई रूलर पुष्यभूति डायनेस्टी का कोई रूलर और उनकी कैपिटल जल्दी से जल्दी से किसी को पता है नहीं पता पुष्यभूति डायनेस्टी पुष्यभूति डायनेस्टी जल्दी बताओ यार इतना इतना देर कहाँ लगा रहे हो ठीक है एक आंसर आ गया है एक आंसर आ गया है ठीक है, जल्दी करो थोड़ा पुष्यभूति तो हर्षवर्धन है काफी ज्यादा फेमस वहां से ना पुष्यभूति डायनेस्टी से हर्षवर्धन है बहुत ज्यादा फेमस और उनकी कैपिटल थानेसर थी ना थानेसर कैपिटल हुआ करती थी उनकी वेरी गुड विशाल ठीक है हर्षवर्धन ठीक है और थानेसर उनकी कैपिटल हुआ करती थी अच्छा फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से आदित्यवर्धन ओके ओके ओके, ओके। फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल कौन से आर्टिकल में हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में पता चलता है पांच सौ छह आई थिंक ये पांच सौ छह सौ क्या है अच्छा पांच सौ छह सौ सीई हाँ ठीक है ठीक है वही टाइम वही टाइम जोन था मैंने सोचा आर्टिकल बता रहा है पांच सौ छह सौ फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में हमें फाइनेंस कमीशन का मेंशन मिलता है? डू इट फास्ट यार मतलब इतना इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है फाइनेंस कमीशन आई थिंक फाइनेंस कमीशन इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन इलेक्शन इलेक्शन कमीशन जल्दी ठीक है विशाल का आंसर सही है विशाल का आंसर सही है देखो विशाल ने बता दिया आर्टिकल टूट आर्टिकल टू हंड्रेड एंड एटी अच्छा आ, अच्छा बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल टू एटी है ठीक है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है अगर नहीं है तो क्या मेंशन है उसकी जगह बजट की जगह क्या मेंशन है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नहीं यार सारे आर्टिकल याद नहीं है मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है इलेक्शन कमीशन ठीक है सुमित अभी मैंने पूछा कि बजट की जगह कौन सा बजट की जगह क्या लिखा हुआ है आर्टिकल में और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में हमें बजट के बारे में पता चलता है और बजट की जगह क्या लिखा हुआ है वहां पर बजट की जगह क्या यूज़ करते हैं hmm. बजट की जगह क्या यूज करते हैं हम वहां पर अगर बजट नहीं यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं जल्दी जल्दी मैं बता दूं क्या बजट मेंशन नहीं है मनी बिल नहीं रे मनी बिल थोड़े ना मनी बिल नहीं मनी बिल आर्टिकल वन हंड्रेड टेन है देखो सिद्धि ने बता दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वो कहता है कि वन हंड्रेड में ये लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो ये वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो फाइनेंस कमीशन है प्रेसिडेंट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आएंगे पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होगा ठीक है तो आई थिंक सिद्धि ने बिल्कुल सही आंसर दिया आर्टिकल वन और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें उसमें देखने को मिलता है ठीक है अच्छा कौन से आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ठीक है मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और वो एडवाइस एड करेगी और एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताओ यू के बाद मैं आंसर दे दूंगा जल्दी नहीं पता नहीं पता अरे नो तो लिख दो नहीं पता मैं खुद बता दूंगा ना आर्टिकल सेवेंटी फोर है आर्टिकल सेवेंटी फोर है आर्टिकल सेवेंटी फोर में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ठीक है आ, एक लिख रहा है आपने पॉलिटी पढ़ रखी है पहले से मैंने पॉलिटी पढ़ रखी है पहले से और मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी हुई है देखो एक आ गया आंसर इट्स यूजर नेम यूजर नेम अपना नाम भी बता दो यार आर्टिकल सेवनटी फोर ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेजिडेंट हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेजिडेंट वो आर्टिकल सेवेंटी फोर है ओके अच्छा कौन से किस किस ने यहाँ पर आ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है टू से एट एट तक वो बाकी आर्टिकल्स भी हैं उसमें ये वाला आर्टिक। 42nd 74 आर्टिकल फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट सेवेंटी फोर आर्टिकल सेवेंटी फोर आर्टिकल ठीक है सेवेंटी फोर आर्टिकल ठीक किस किस ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है किस किसने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है वो चार्टर एक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वो वाला चैप्टर अच्छा चलो चलो मेरे को ये बताओ कि आ, प्रोविंसेस में डायर्की कौन सा एक्ट लेके आया था प्रोविंसेस में डायर्की कौन सा एक्ट लेके आया था पहला ही चैप्टर है यार लक्ष्मीकांत का क्यों नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्रोविंसेस में डायर्की प्रोविंसेस में डायर्की कौन से एक्ट से आया था प्रोविंसेस में डायर्की नहीं पता तो नो लिख दो मैं बता दूंगा प्रोविंसेस में डायर्की कौन सा एक्ट लेके आया था प्रोविंसेस में डाय कौन से एक्ट से आई थी अभी हम इलेवंथ क्लास में हैं सर अरे भाई <laughs> डाय की देखो मैं डायर की बताता हूँ कि क्या होता है किस किस को नहीं पता कि डायर की क्या होता है किस किस को नहीं पता कि डाय की क्या होता है ठीक है कमेंट करो देखो डाय की ऐसा होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ठीक है कुछ ऐसी चीजें होती हैं पे यूनियन लॉ बनाता है ठीक है कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पे सेंट्रल लॉ बनाता है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे स्टेट्स लॉ बनाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे दोनों लॉ बनाते हैं ठीक है जो जिस पे सेंट्रल लॉ बनाती है उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं जिन पे स्टेट लॉ बनाता है उसको हम स्टेट्स स्टेट लिस्ट कह देते हैं और जिन पे दोनों बनाते हैं उनको कंकरेंट लिस्ट कह देते हैं ठीक है तो अब जो जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पर उस टाइम पर स्टेट्स की जगह क्या थी प्रोविंस थी ठीक है तो प्रोविश के लिए एक लिस्ट थी जिसको हम प्रोविंशियल लिस्ट कहते थे ठीक है जिनपे प्रोविंस लॉ बना सकती थी अब जो प्रोविंस हैं वो प्रोविंस जिन चीज़ों पे लॉ बना सकती थी उन चीज़ों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ठीक है एक तो हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ठीक है जो ट्रांसफर्ड जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का लॉ बनाने का जो राइट था वो हमारा गवर्नर जनरल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाता था ठीक है और वो किसकी हेल्प से लॉ बनाता था उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी हेल्प से लॉ बनाता था ठीक है और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेचर को ठीक है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते थे तो ये तो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे होते थे रिजर्व सब्जेक्ट्स जिन पे गवर्नर जनरल लॉ बनाता था सिर्फ और सिर्फ जिन पे गवर्नर जनरल लॉ बनाता था सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके तो क्या किया दो तरह दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया ना एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हो गए दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स हो गए इसी चीज़ को डायरकी बोलते हैं तो प्रोविंस में जो डायरकी की थी ठीक है अभी एक ने कमेंट किया था कि जो 1935 वाला एक्ट था वो डायरकी की आया था देखो डायरकी की वाला एक्ट नहीं लेके आया था 95, 1935 वाला जो एक्ट था उसने डायरकी की कर दी थी प्रोविंसेस में ठीक है उसने प्रोविंस में डायरकी की कर दी थी डाय की को लेके आने का काम 1919 के एक्ट नाइनटीन का एक्ट करेगा ठीक है 1919 का एक्ट मतलब जिसको हम मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं ठीक है मॉन्टेग्यू उस टाइम पे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और जो कैम्सफोर्ड थे वो वाइस हुआ करते थे इंडिया के तो नाइनटीन में मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड जो थे वो इस लॉ को लेके आते इस एक्ट को लेके आते हैं नाइनटीन का एक्ट कहते हैं जिसको और मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड जो ये एक्ट लेके आते हैं इसमें हमें डायर देखने को मिलती है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया तो आ, बाकी डायरकी आपको पता चल गया अच्छा किस किस को पता है कि बाई कैमरलिज्म क्या होता है इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं बाई कैमरलिज्म क्या होता है ठीक है देखो डाय आर् और बाई कैमरलिज्म में डिफरेंस क्या होता है देखो डाईआर की ऐसा था कि आपने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ठीक है डाय आर् में ऐसा था कि आपने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था मतलब क्या कि आपने एक प्रो प्रोविंशियल जो आपके सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था ठीक है अब बाई कैमरलिज्म में क्या होता है जो डायर है वो बाई कैमरलिज्म से थोड़ा सा अलग है ठीक है बाई कैमरलिज्म में क्या होता है कि आपकी जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है ठीक है आपने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है सेंटर पे क्या हुआ एक लोकसभा और राज्यसभा आपके दो हाउस अगर पार्लियामेंट में हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं इस चीज को हम बाई कैमरलिज्म बोलते हैं ठीक है इस चीज को क्या बोलते हैं बाई कैमरलिज्म बोलते हैं अभी आप जब आप आप लोग जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ठीक है लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ टर्म्स है जिनको समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं ठीक है कुछ टर्म्स हैं जिनको जिनको समझने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ठीक है एक है ड्यूअल रूल ठीक है ड्यूअल रूल ठीक है ड्यूअल रूल जो अपना पिट्स इंडिया एक्ट था सेवनटीन वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट था ठीक है सेवनटीन एटी फोर वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट था वहां पर हमें ड्यूअल रूल देखने को मिलता है ठीक है अब ड्यूअल रूल में क्या था एक हाँ ड्यूअल रूल में क्या होता है कि कंपनी को पहले कौन गवर्न कर रहा था कंपनी का कंपनी को गवर्न गवर्न कर रहा था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ठीक है कुछ लोगों की लोग मिलके मतलब कंपनी में जिनके शेयर थे जो शेयर होल्डर थे कंपनी में ठीक है कंपनी के शेयर जिसके पास थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सब मिलके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते थे वो सब मिलकर क्या बनाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते थे अब वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी वो कंपनी को रूल करती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई तुम अपने हिसाब से कंपनी को चला रहे हो थोड़ा हमें भी चलाने दो ठीक है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी तो चाहिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पर बिठा दिया ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पर बिठाया थी। कि भाई अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होगा ठीक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होगा अब और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं यस भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाँ ठीक है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब दोनों गवर्न कर रहे थे क्योंकि कंपनी को तो इसी को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल रूल बोलते हैं ठीक है ड्यूअल बोलते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा अच्छा आप लोग अपनी कोई आपकी कोई भी अभी यहाँ पर जिसके भी जो भी डाउट है ना पॉलिटी से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं अगर मेरे को पता होगा ठीक है उस टर्म का मतलब तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग लिख सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड ठीक है 1857 में इसको ओवर कर दिया था हाँ 1857 में जो ड्यूअल रूल था उसको खत्म कर दिया था और ड्यूअल रूल की जगह क्या लेके आए थे अब अभिषेक ने यह बताया कि 1854 1857 में इसको खत्म कर दिया था तो ड्यूअल रूल की जगह क्या लेके आए थे ड्यूअल रूल की जगह उन्होंने एक ऑफिस बनाया था किसका ऑफिस बनाया था फास्ट जल्दी से हाँ कौन बताएगा कि ड्यूअल रूल की जगह वहां पर क्या लेके आए थे वो फिफ्टी सेवन के एक्ट में मैं ड्यूअल रूल की जगह 1857 के एक्ट में क्या लेके आए थे मैं बता देता हूँ देखो जो पहले ड्यूअल रूल था उसकी जगह भारत सचिव भारत सचिव का पद लेके आए थे ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आए थे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बना दी थी 1857 में और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गवर्न करने के लिए उसकी एक काउंसिल बनाई थी उस काउंसिल में कितने मेंबर थे अब अभिषेक ये भी बता दो ठीक है ये भी बता दो कि उस काउंसिल में कितने मेंबर थे हाँ सही बात सही है सही है उस काउंसिल में कितने मेंबर थे पंद्रह मेंबर की काउंसिल थी ठीक है पंद्रह मेंबर की काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और उनको वहां पर बिठा दिया था कि अब आप लोग गवर्न करेंगे ठीक है आई थिंक अभिषेक ने पढ़ा हुआ है पहला चैप्टर और काफ़ी डीपली पढ़ा हुआ है अच्छे से पढ़ा हुआ है उसने तो अच्छी बात है आप लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं हम्म अच्छा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कौन से एक्ट को कहते हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स अच्छा आप लोगों को ना एक एक फैक्ट बताता हूँ आज जो आप लोग इंडिया में जो कम्युन आ, हाँ सही नाइनटीन जीरो नाइन का जो एक्ट था वही उसी को मौल रिफॉर्म कहते हैं तो अभी के टाइम पे जो हम हिंदू मुस्लिम का कम्युनलिज्म का जो देखते हैं ना और ये जो इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हुआ ठीक है इसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी रची गई ठीक है वो नाइनटीन जीरो नाइन के एक्ट से ही रची जाती है मतलब अगर उनको भारत और पाकिस्तान के बीच में फूट डालनी थी ठीक है तो उसकी शुरुआत उन्हें नाइनटीन जीरो नाइन के एक्ट से ही की थी ठीक है नाइनटीन जीरो नाइन के एक्ट से वो लोग शुरू करते थे कि भाई हम हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करेंगे और उसी का रिजल्ट था कि लास्ट में नाइन्टीन जीरो नाइन से वो लोग लगे हुए थे और लास्ट में उन्होंने नाइनटीन फोटी सेवन में उन्होंने क्या किया उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट कर दिए इंडिया के तो नाइनटीन जीरो नाइन के एक्ट में ऐसा हुआ क्या ठीक है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में ऐसा हुआ क्या ठीक है कौन बताएगा मेरे को कि 1909 के जो मॉरले मिंटो एक्ट जो वो लोग लेके आए थे मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी जिसको कहते हैं इसमें उन्होंने क्या किया था मतलब कि अलग कर दिया गया था क्या किया था नाइनटीन नाइनटीन में सभी के लिए कर दिया था हाँ क्या कर दिया था सभी के लिए देखो उन्होंने क्या किया ना उन्होंने नाइनटीन जीरो नाइन में उन्होंने क्या किया वो लोग कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आ गए उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम्स होंगे उनको हम रिजर्व सीट्स देंगे और मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे ठीक है मुस्लिम लोग मुस्लिम जो वो, वोटर होंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही इलेक्ट करेंगे ठीक है अलग निर्वाधान मेरी इंग्लिश अलग निर्वाचन हाँ मेरी हिंदी थोड़ा सा ऐसी है ठीक है तो उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आए थे और सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आ गए थे उसके लिए तो 1909 से वो लोग लो शुरुआत करते हैं और हिंदू मुस्लिम में जो कम्युनलिज्म की जो शुरुआत थी वो यहीं से शुरू होती है और इसी का रिजल्ट होता है कि नाइनटीन में हमें भारत के दो टुकड़े देखने को मिलते हैं पाकिस्तान और भारत हाँ कूद गया हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहे हो मैंने भी यही किया था मैं भी मैंने भी एनसीईआरटी की जगह सीधा मैंने लक्ष्मीकांत पे मैं एंटर कर गया था तो आप लोग कर सकते हैं पॉलिटी में ये कर सकते हैं अगर आपके थोड़ा बहुत बेसिक्स ठीक है तो आप एनसीआर की जगह सीधा लक्ष्मीकांत पे जा सकते हैं बट याद रहे कि मेन्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है भैया मैं हिंदी में ही लिखूँ सही क्योंकि मुझे हिंदी में सही लगता है हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आप हिंदी में लिखिए सर आप बुक लिस्ट पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए बिल्कुल बना देंगे बुक लिस्ट पर वीडियो बना देंगे आपका संकल्प ठीक है रोहन भाई एकदम सेम स्ट्रेटजी <laughs> मेरा और सुमित का मैक्सिमम चीज़ों में स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है भैया एक सवाल है बिल्कुल आप सवाल पूछिए अपने आप लोग की जो भी क्वेरीज है अगर मेरे को आता होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा नहीं आता होगा तो फिर आए भाई ठीक है आप जल्दी से लिखिए लेकिन जल्दी जल्दी लिखिए भाई मेरे एक सीनियर है वो मुझे सुब्र मैम के और विजन आई के वीडियो तो मैं उनसे पढ़ूँ या फिर संकल्प वैसे अगर आपके पास ऑप्शन होता तो मैं क्या करते देखो अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं तब भी पीडब्ल्यू से ही करता ठीक है क्यों करता क्योंकि एक तो मैं उस इंसान पर डिपेंड हो जाता कि जब मेरे पास वीडियो भेजेगा तभी मैं उनको देख पाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले तो डिपेंडेंसी हो जाती और दूसरा ये होता है कि जब मेरे को पता है कि मेरे को जब चाहे वो लोग वो वीडियोस मिल जाएंगे तो एक कमिटमेंट नहीं बन पाता एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती ठीक है मेरे को नहीं उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा बैकलॉग हो जाएगा मेरी क्लासें छूट जाएंगी तुम्हें पता है जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम मुझसे वो क्लास मांग लोगे तब तुम मुझसे देख लोगे ठीक है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी और अगर आप बैच से देख रहे हो तो एक कंसिस्टेंसी रहती है एक कमिटमेंट रहता है कि बैकलॉग हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है एक ही समय भी दो सरकार कब वर्क करती हैं

नहीं दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हो सकती है ऐसा हो सकता दो सरकारें हाँ या तो ऐसा हो सकती है कि दो पार्टी रूल कर सके सरकार तो एक ही होगी ना जब कॉयलीशन गवर्नमेंट होगा तो उसमें ऐसा होगा कि दो पार्टीज़ मिल अपनी सरकार बनाएंगी ठीक है तो उसको अब अगर तुम उस कंटेक्सट में कहना चाहते हो कि दो सरकार रूल कर रही है तो ऐसा हो सकता है ठीक है कि कॉयलीशन गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जब आपके किसी एक सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो दो सरकार कैसे रूल कर सकती है दो सरकार होंगी क्यों क्यों होंगी सेंटर पर दो सरकार ठीक है या फिर अगर इसका और कोई आप किसी कंटेक्सट में कहना चाहते हो तो शायद मैंने इस बारे में नहीं सुना है ठीक है पाकिस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक एंड एक तरीके तालिबान पाकिस्तान तो वो दोनों सेंटर पे थोड़ी हो गई नहीं वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है जो उसमें जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है एस्टेबलिश्ड गवर्नमेंट तो उसमें एक ही है ना जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ठीक है जो रूल्ड गवर्नमेंट है उसी को आप लीगल लीगल गवर्नमेंट आप उसी को कहेंगे गठबंधन की सरकार सेंट्रल में है शायद अभी नहीं है हो सकती है लेकिन अभी नहीं है अभी तो पूर्ण मेजोरिटी है फुल मेजोरिटी है अपने इंडिया के पास मैं इसका कंफर्म करता हूँ हाँ बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिए दोनों है भाई अभी तो नहीं ऐसा नहीं होता है ना आप लीगली उसमें लीगल तरीके से देखें ना आप लीगली जिसको इंटरनेशनली रिकोगनाइज किया हुआ है कि भाई इंटरनेशनली वहाँ पर जो गवर्नमेंट रिकोगनाइज कर रही है अब उनको यूएनओ पे रिप्रेजेंट करने के लिए वो तहरीके तालिबान वाले थोड़ी ना जाते हैं उनको यूएनओ में अगर रिप्रेजेंट करेगा यूएनओ में तो उनको वही रिप्रेजेंट करेंगे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है हेलो हेलो संजय है ना जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वही तो रिप्रेजेंट करेगी उनको अगर कोई रिलेशन एस्टेब्लिश है उनको किसी कंपनी के साथ सीपेक वगैरह करना है ठीक है तो उसमें तो उनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही जाएगी उनको किसी कंट्री के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं ठीक है थीके? उनको लोन लेना है यूएनओ से आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से तहरीके तालिबान को थोड़ी ना लोन मिलेगा ठीक है आई एम एफ से लोन तहरीके तालिबान को थोड़ी मिलेगा आई एम एफ से अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है तो पाकिस्तान को ही मिलेगा ना आई थिंक आई मीन वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है पीडब्ल्यू में या फिर अलग से कोई कोर्स लेना पड़े अलग से कोर्स तो यार अलग से कोर्स लेना चाहते हो तो ले लो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ऐसा कर सकते हो पैरेलल पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जुडिश्री एंड एग्जीक्यूटिव भी बना दिया वो चलता रहे अब उसमें क्या है अब ऐसा तो तुम अफगानिस्तान में तुम कहोगे कि जिस टाइम पे वो क्या कहते थे तालिबान के आने से पहले तालिबान काफ़ी टाइम तक वो वहां पर चले ही हुए थे उल्टे सुलटे काम कर रहे थे पैरल बनाने से फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है वो दो गवर्नमेंट नहीं हुई वो इलीगल गवर्नमेंट है वो तालिबान को यू का मतलब ही नहीं पता होगा ऑब्वियसली नहीं मतलब तो उनको पता होगा वो काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं आप वो रूल कर रहे हैं पूरी एक कंट्री को तो उन्हें पता है और अभी तो आई थिंक काफी अच्छे से हैंडल भी कर रहे हैं सिचुएशन को उन्होंने हैंडल भी कर रखा है हाँ हाँ पहचान लिया संजय <laughs> उनको पता सब है यूएनओ वगैरह ऑब्वियसली वो अब इतना उनके अगेंस्ट वहाँ यूएनओ में रेजोल्यूशन वगैरह पास होते रहते तो पता तो उनको है ही जो आ... <laughs> नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता अभी इंडिया में जब तक एन हमारे अजीत सर हैं और जयशंकर सर हैं तब तक इंडिया में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहीं से तालिबान कुछ कर देगा ऐसे इंडिया में तो ये तो है थोड़ा सा एक घंटा होने वाला है बस आठ मिनट और है आप लोगों की कोई क्वेरीज है भैया तो विधायिका का विधायिका यार मैं विधायिका नहीं समझ पा रहा विधायिका क्या होता है कोई मेरे को इंग्लिश में बताएगा विधायिका क्या होता है क्या लेजिस्लेचर विधायिका होता है क्या लेजिस्लेचर को आप लोग विधायिका कहते हैं मैं एक मिनट में वो 1853 वाला देख लेता हूँ मैं वहां से देखता हूँ अगर 1853 देखो विधायिका का कॉन्सेप्ट जो था ना अगर आप ये कह रहे हैं कि अच्छा लेजिस्लेचर अच्छा जो देखो लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट आप ये नहीं कह सकते कि 1853 में आया क्यों क्योंकि आपको याद है कि सेवनटीन सेवनटीन फिफ्टी एक मिनट सेवनटीन सेवनटी थ्री का जो चार्टर एक्ट था ठीक है सेवनटीन सेवनटी थ्री का जो चार्टर एक्ट था वहां पर आपको याद है कि बंगाल की uh, मद्रास और बॉम्बे की जो काउंसिल थी उनको हमने बंगाल की काउंसिल के अंडर कर दिया था ठीक है तो ऐसा नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो एटीन में आया नहीं ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे सुमित का मैसेज नहीं दिख रहा मेरे को जो आया वो मैसेज रिट्रैक्टेड दिखा रहे हैं आप ऐसा कह सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है वो 1853 में आई थी क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग करके सिक्स मेंबर का लेजिस्लेचर बना दिया था हाँ सेंट्रल लेवल पर एटीन में आया था उन्होंने सिक्स मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर बना दी थी तो सेंट्रल लेवल पर कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो 1853 में आपको देखने को मिलेगा कार्यपालिका हाँ कार्यपालिका और विधायिका को उन लोगों ने वहां पे अलग कर दिया था बिल्कुल ये बिल्कुल सही है हाँ ये सही है कि उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर थी उनको अलग अलग कर दिया था ये बात तो सही है सेंट्रल लेवल पे आपको जो लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से शुरू देखने को मिलेगा एटलीस्ट इंडिया में तो वहीं से शुरू हुआ था और कुछ बताओ मेरे को 1853 के एक्ट के बारे में एक चीज़ वहाँ एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई थी 1853 के एक्ट में आप लोग आई थिंक so, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई थी एटीन के एक्ट के बारे में ईडब्ल्यू का एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल का थोड़ा रिव्यू दे दो प्लीज़ मैं ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ यार एंथ्रोपोलॉजी का अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसने एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल ले रखा है और अगर मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर रिव्यू देने की कोशिश करूँगा अभिषेक बताओ एटीन के एक्ट में एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आया था और जिसको सुन के हम सबको अच्छा लगेगा काफ़ी भाई सोशोलॉजी की uh, ही क्या ऑप्शनल चूज़ किया आपने यार सोशोलो मैंने इतना सोचा नहीं ना इसीलिए मैंने इतना सोचा नहीं कि मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल क्यों लूँ क्योंकि कोई भी ऑप्शन लोगे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही सोशियलॉजी इसलिए लिया कि हाँ थोड़ा सा ठीक है मैं सोसाइटी से काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूँ तो मैं सोशलॉजी को ज़्यादा समझ पाऊंगा इसीलिए मैंने सोशलॉजी लिया मैं काफ़ी सोसाइटी में रहने वाला इंसान हूँ और इंटरेक्ट करना मेरे को लोगों से काफी अच्छा लगता है तो यही सोच के मैंने सोशोलॉजी ले लिया बिकॉज इससे पहले मेरा जुलॉजी ऑप्शनल था और मैं जुलॉजी ऑप्शनल में मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा स्कोर शायद नहीं कर पाऊँगा और बिकॉज जुलॉजी ऑप्शनल की कोचिंग भी बिल्कुल मेरे लिए अनअफोर्डेबल थी मैं शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाता तो इसीलिए मैंने ये ले लिया मैंने ऑप्शनल ले लिया और मुझे अच्छा भी लग रहा है हाँ. सोशोलॉजी 1854, के के 1854 में हम लोग मैकॉले कमेटी बनाते हैं और वो, वो सिविल में सभी भारत बिल्कुल आ, तो आ, देखो अभिषेक ने एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बताया अभी कि क्या होता है कि 1853 का जो एक्ट आता है इससे पिछला जो एक्ट था 1833 का जो एक्ट था उस एक्ट में उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को सिविल सर्विसेज में लाएंगे लेकिन वो कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया ठीक है वो लाते नहीं है एक्चुअली इंडियंस को सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विसेज को इंडियंस को सिविल सर्विस में लाने का असली काम कौन करता है जो एटीन का एक्ट था ठीक है एटीन के एक्ट में क्या होता है कि कोवी नाइनटेड सिविल सर्विसेज होती हैं ठीक है थीके? जो कोवी नाइनटेड सिविल सर्विसेज होती है उस टाइम पे क्या था ना एक अपर सिविल सर्विस थी और एक लोअर सिविल सर्विसेज थी तो जो अपर सिविल सर्विसेज थी उनको इंडियंस के लिए ओपन कर दिया था 1853 के एक्ट ने और इसी एक्ट ने फिर कहा कि 1854 में मैकोले कमेटी बनाई जाएगी ए, सिविल सर्विसेज में इंडियंस को एंट्री देने के लिए तो आज आप जो देख पा रहे हैं कि आप इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं ठीक है वहां की उसकी शुरुआत 1853 के एक्ट से ही होती है आ, पहले भारतीय सुदींद्रनाथ टैगोर बिल्कुल हाँ वही थी आई की आई का एग्ज़ाम सबसे पहले पास उन्होंने ही किया था जितना नाथ ने और जो हमारे काफ़ी आदर्श एक क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस उन्होंने भी आई का एग्ज़ाम क्लियर किया था और ए आई आर सेवन आई थी उनकी ऑल इंडिया रैंक सेवन उन्होंने लिया था सुभाष चंद्र बोस आ, किस किस को पता था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम पे क्रैक किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक किया था और ऑल इंडिया रैंक सेवन उनकी आई थी और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने जो था रेजिग्नेशन दे दिया था किसको दिया था रेजिग्नेशन सुभाष चंद्र बोस ने किसको अपना रेजिग्नेशन दिया था जब उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने किसको दिया गुमन गुमनामी बाबा याद वो तो ठीक है बताओ मेरे को ये बताओ कि किसको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अपना सुभाष चंद्र बोस अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं उस टाइम पे कौन इंडिया के वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पता नहीं भैया पता नहीं सर्च 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 करेगा करेगा कोई गूगल पे जो गूगल पे सर्च करेगा सबसे पहले जो मेरे को बताएगा कि उन्होंने किसको अपना रेजिग्नेशन दिया था इतना बता दे दो टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको उन्होंने अपना वेल्सली को नहीं मुझे नहीं लगता वेल्सली को या तो मैं गलत हूँ या फिर आप गलत है तुमको पता तो चलेगा किसको दिया था को? नहीं, मुझे नहीं लगता को दिया था। था। बताना क्या है ले लो <laughs> अच्छा ऑप्शनल है देखो अच्छा इसलिए क्योंकि जो पीएसआई आर है उसका काफी ज्यादा ओवरलैप है जीएसटू मतलब पूरा वही तो है जीएसटू तो पूरा ही वही है अगर उसमें से थोड़ा बहुत सेक्शन हम लोग निकाल दें गवर्नेंस वाला बल्कि गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन भी सब आ ही जाएगा तो अच्छा देखो एक ही अच्छी चीज़ है पीएसआईआर ऑप्शनल में कि आपका जी एस टू आपके ऑप्शनल के साथ ही तैयार हो जाता है आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है तो मैं आपको एक बार एक, बा, एक चीज़ को फिर से बता देता हूँ ये बात मैं हर बार बताता हूँ कि ऑप्शनल कोई बुरा नहीं है आप किसी भी ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑप्शनल आप लोग ले सकते हैं ठीक है आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता है ठीक है और कभी भी ना यू की प्रिपरेशन में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना ठीक है कि ये मत सोचना कि मैं कर ही लूँगा इस सब्जेक्ट को मैं कर ही लूँगा ये मैं निकाल ही लूँगा ठीक है इजी है इतने लोग निकालते हैं मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक वन ले आऊँगा देखो अच्छी बात है ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना आपने सुना होगा कि एक आई ए एस आई ए एस कह रहा हूँ एक एस्पिरेंट थे और वो उनका भी कुछ टाइम पहले उनका एक स्क्रीन वायरल भी हुआ था उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था तो उन्होंने दस दिए थे और दस अटैम्प्ट में आई थिंक पाँच छः मे से वो दे चुके थे और तीन इंटरव्यू उन्होंने दिया तीन तीन चार इंटरव्यू उन्होंने दिए और उसके बाद भी उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया मतलब आप खुद सोचिए कि दस अटैम्प्ट देने के बाद आपके जब अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है तो मतलब ये इस चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट होना आप लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है तो बिल्कुल भी आप लोग मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने जो लिखा था मॉन्टेस्क्यू को लिखा था मॉन्टेग्यू को मॉन्टेग्यू को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था उस टाइम पे मॉन्टेग्यू को लॉर्ड मॉन्टेग्यू को उन्होंने लिखा था और वो रेजिग्नेशन का जो लेटर था वो अभी कुछ टाइम पहले वायरल भी हुआ था उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन दिया था वो लेटर अभी कुछ टाइम पहले वायरल भी हुआ था और वो लेटर में सुभाष चंद्र बोस की जो राइटिंग थी वो माशाल्लाह राइटिंग थी उनकी यार तुम लोगों ने लाइक नहीं किया क्या वीडियो को लाइक कर दो यार और अब बिकॉज आप सभी को पता है मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कल संकल्प बैच का और टाइटन बैच का दोनों का टेस्ट है ठीक है तो दोनों का टेस्ट देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आई जस्ट विश कि आप सभी के 120 में से 120 नंबर आए ठीक है तो अच्छे से दीजिएगा कल वाला टेस्ट जी एस नहीं यार जी एस अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी काफ़ी करना है काफ़ी काम करना है तो जी एस अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है हाँ भैया भारतीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन ठीक है या यह कर्ज उन्नीस व्यास कर हूँ कन्फर्म कर दीजिए उस समय कौन था आ, कौन था वाइस नाइनटीन एटी टू 1982 में कोई भी नहीं था एडविन मोंटेग्यू सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया हाँ हां में हाँ उसी टाइम की बात है उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया था और उन्होंने मोंटेग्यू को रेजिग्नेशन दिया था अभिषेक एक बात देखो तुमने 1982 गलत लिख दिया यार 1982 तो आजादी के कई साल बाद हो गया ये उस टाइम पे कौन होगा वाइसरॉय उस टाइम पे तो हमारे प्रेसिडेंट होंगे 1982 में जो भी होगा एटीन एटी टू हाँ एटीन एटी टू एटीन एटी टू यार एग्जैक्ट एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता यार कौन था उस टाइम पे क्योंकि मैंने भी याद नहीं किया हुआ है <laughs> मैंने भी याद नहीं किया हुआ है तो एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता कि उस टाइम पे कौन था वाइस रॉय ये तो बंद हो गया यार <laughs> देख लो यार गूगल पे जाके देख लो मैं अभी इसको देखूंगा गूगल करूंगा तो मेरे को भी नहीं पता चलेगा बहुत प्रॉब्लम होती है ये एक से नाम होता। हाँ यार अजीब सिस्टम है इनका लॉर्ड इससे एक रिपन आया रिपन है फिर उसके बाद वो दूसरा आता है वो एक उल्टे काम करता है वो रिपन से जो पहले आया था लिटन वो काफी उल्टे काम करता है फिर उनको सुधारने का काम रिपन करेगा है ना देख लेना उस टाइम पर वाइस रॉय कौन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था मेरे को भी नहीं पता अभिषेक हंस क्यों रहा है टाइम टेबल स्ट्रेटजी करी तो थी रे शेयर मैंने मेरी बदलती रहती है यार मेरी खुद की टाइम टेबल का कोई फिक्स नहीं है कल रात में साढ़े मैं साड़े, मैं साढ़े पाँच बजे सोया हूँ अब मैं रात को कहूँ या सुबह कहूँ मेरे को खुद नहीं पता साढ़े पाँच बजे सोया हूँ मैं तो टाइम टेबल का मेरा खुद फिक्स नहीं है ठीक है बस ये है कि ये ये चीज़ें एक दिन में करनी होती है वो मैं कर लेता हूँ कल रात उसको करने में साढ़े पाँच बज गए तो मैंने किया ठीक है और कल रात साढ़े पाँच इसलिए बज गया क्योंकि मैं बारह बजे के बाद मैंने वो बोस वाली बोस कह रहा हूँ वो खाकी वाली मैं थोड़ा सा सीरीज़ देखने लगा तो दो घंटे उसमें निकल गए और वो सीरीज देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब डेली वाला टारगेट तो पूरा करना ही है फिर वो टारगेट पूरा करने में फिर साढ़े पाँच बज गए फिर सुबह साढ़े पाँच बजे सोया तो टाइम टेबल कुछ फिक्स नहीं है यार टाइम टेबल आप लोग अपने हिसाब से बना लो एक घंटे में कितने पेजेस पढ़ लेते हो अच्छे से पढ़ोगे तो दस पेज अच्छे से पढ़ोगे तो दस पेज निपटाने की सोचोगे तो पच्चीस पेज मैंने दोनों किया हुआ है ठीक है जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था उस टाइम में यही करता था कि एक बार बुक खत्म हो जाए पहले तो उस टाइम पे मैं एक घंटे में बीस पच्चीस पेज निपटाने की कोशिश करता था और अभी एक घंटे में दस पेज उससे ज्यादा नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो दस पेज वरना दस भी नहीं हो पाते जियोग्राफी ऑप्शन ये सिद्धि तो पीछे ही पड़ गया इसने इतनी बार लिख दिया इतनी बार लिख दिया सिद्धि ने जियोग्राफी ऑप्शनल अच्छा है अच्छा है सिद्धि अच्छा है मैं बोलने ही वाला था मेरे को बोलने तो दे मौका तो दे बोल देगा आ, अच्छा है जियोग्राफी ऑप्शनल पर बहुत साइंटिफिक है ठीक है और मतलब काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है अगर चाहते हो तो उसको देख सकते हो आप लोग दो संकल्प में एडमिशन लेना है लेकिन दो मंथ लेट हुआ है कि नहीं मेरे को दो हजार बाईस में पच्चीस में एग्जाम देना है कोई दिक्कत नहीं अगर पच्चीस में एग्जाम देना है तो ले लो फिर संकल्प बैच कहाँ दिक्कत आ रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है पच्चीस में देना है तो ले सकते हो कुछ लेट नहीं हुआ है ऐसा हाँ हाँ भाई सुन लिया सुन लिया जी सुन लिया मैंने <laughs> सहायक संधि सहायक संधि अब इसको इंग्लिश में कौन बताएगा मेरे को सहायक संधि देखो यार बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी ना जो फैक्ट मेरे को भी याद नहीं होंगे ठीक है तो आप ये लोग एक, ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि भैया को सब, सब कुछ सब कुछ ही पता होगा ठीक है बहुत सारे फैक्ट मेरे को खुद याद नहीं होंगे सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस वेल्सी वेल्सली नहीं किया था लॉर्ड वेल्सली ने अगर सब्सिडियरी अलायंस है तो वेल्सली का था वेल्सली से पहले कौन था कॉर्न वैलिस कॉर्न वैलिस था क्या कॉर्न वैलिस था कॉर्न वैलिस हो सकता है अगर उससे पहले आया था तो वेल्सली ने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था सब्सिडियरी अलायंस को टिप्स दे दो तो भाई कौन सा अटैम्प्ट देने वाले हो और ये फर्स्ट यार फर्स्ट अटैम्प्टी है और अगले साल देने वाला हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में डुप्ले नहीं डुप्ले नहीं डुप्ले नहीं डुप्ले तो बहुत पहले आ गया था अगर डुप्ले है तो फिर मैं बिल्कुल इससे बहुत दूर सोच रहा था अगर डुप्ले है तो मैं बहुत दूर सोच रहा था और मेरे को इसके बारे में कुछ इतना याद नहीं था ठीक है अगर डुप्ले है तो ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 सब्सिडियरी अलायंस ही होता है ना सहायक संधि और कुछ तो नहीं होता है अगर सब्सिडियरी अलायंस है तो फिर तो मेरे को इतना याद है कि यार वो वेल्सली ने शुरू किया था और अगर सहायक संधि कुछ और होता है तब ठीक है कितने घंटे नौ दस नौ दस घंटे नौ दस नहीं यार चौदह नहीं कभी 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 बहुत मुश्किल है चौदह तो पहले हो जाता था जिस टाइम पे शुरू किया था उसमें पहुँच जाता था चौदह अब नहीं होता ऑप्शनल भी अच्छा ऑप्शनल है आप लोग ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इकोनॉमी के सोर्स बता दो बता देता हूँ एलेवंथ की एन सी आर टी थॉरॉली पढ़ लेना ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना रमेश सिंह या फिर सिंघानिया में से एक पढ़ लेना और अपने करंट अफेयर्स अपडेट कर लेना बस इतना ही है करंट अफेयर के टॉपिक ज़्यादा अच्छे से करना बिकॉज वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इलेवंथ की इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ की माइक्रो इकोनॉमिक्स रमेश सिंह या सिंघानिया में से एक संकल्प बैच का प्लान दिसंबर ठीक है बिल्कुल ठीक नहीं है यार बहुत लंबा कर दिया उन्होंने इतना लंबा हम लोग रिवाइज कब करेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो दिसंबर तक नहीं जाना चाहिए था पीडब्ल्यू में जियोग्राफी कौन पढ़ाएंगे कोई अखिलेश अखिलेश गौर सर है अखिलेश सर शायद अखिलेश गौर वही में पढ़ा रहे हैं वही संकल्प में पढ़ाएंगे भैया कुछ आप पूछो ना भैया कुछ आप पूछ लो ना कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के पॉलिटी में कौन से टॉपिक से पूछू बताओ अच्छा प्रेसिडेंट को रिमूव करने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं रमेश सिंह माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं मैक्रो मैक्रो माइक्रो नहीं ये यार अच्छा है भाई ले लो लाइक कर दो यार लाइव को लाइक कर दो ये बेजती सा लग रहा है कम लाइक हो रखे उस पर इम्पीचमेंट कहते हैं क्या होता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस कोई बताएगा मेरे को इम्पीचमेंट का प्रोसेस महाभियोग ठीक है हाँ हिंदी में महाभियोग कहते हैं उसको बताओ बताओ इम्पीचमेंट के प्रोसेस होता क्या है हाँ हो जाता है वो माया ऑटो करेक्ट का ऐसा ही सीन रहता है बताइए इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है लंबा शॉर्ट शॉर्टकट में बता सकते हो आप लोग शॉर्टकट में बता सकते हो कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस ऐसा ऐसा होता है आ, चलो फिर इस लाइव को अब आगे करते हैं नेक्स्ट सैटरडे करते हैं इस लाइव को और फिर बात करते हैं कुछ टॉपिक्स पे ठीक है लोकसभा के सभी राज्य के सभी एंड पचास just... लोकसभा राज्यसभा के सभी हाँ ठीक है स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है बेसिकली और दोनों हाउसेज में और वो स्टेट्स स्टेट्स का भी करना पड़ता है सबसे तो पहले प्रेजिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है चौदह दिन पहले पहले ठीक है देखो ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ठीक है आप कमेंट में लिख देना इसको अभी मैं जाता हूँ थोड़ा खाना खा लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है गुड नाइट एवरीवन और नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं लाइव पे ठीक है हाँ सर yes, कोई नहीं कोई नहीं ठीक है ओके बॉयज़ गुड नाइट थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए और टेंशन मत लो यार जो फैकल्टी वो लोग प्रो, प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करा रहे हैं ठीक है उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है हाँ गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर एवरी वन हाँ और जो जिसको ग्रुप से ज्वाइन होना है वो मैसेज कर देना मेरे को एट सिक्स एट थ्री ज़ीरो एट वन फोर ज़ीरो फाइव एक बार और बोल देता हूँ एट सिक्स एट थ्री जीरो एट वन फोर जीरो फाइव ठीक है जिसको कनेक्ट होना है ग्रुप से वो मैसेज कर देना हाँ एंथ्रोपोलॉजी का रिव्यू करने की कोशिश करूंगा मैं